नमस्कार, स्वागत है आपका satyahindi.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। कभी कभी कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिन्हें एक महिला पत्रकार होने के नाते आपको बताने में भी शर्म आती है, और कुछ इसी तरीके का एक इशू है जिसके बारे में आज मैं बात करूंगी इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है आज का एजेंडा। अगर आपको ध्यान हो, कुछ ऐसा ही इशू मैं आपके लिए सत्य हिंदी पर मई के महीने में लेकर आई थी, जब ईद के पहले कुछ मुसलमान महिलाओं की तस्वीरों को वायरल किया गया था। उनकी लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी एक यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम था लिबरल डॉग। उस समय क्या हुआ, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इसको लेकर आक्रोश था, और उस समय भी वेमेंस कमीशन ने कहा कि हम इस पर संज्ञान लेंगे, हम इस पर छानबीन करेंगे। पुलिस वालों की तरफ से ये हुआ कि उन्होंने FIR दर्ज कर ली है, और जबकि जो पर्पेट्रेटर्स थे उनकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज हो गई थी, और पुलिस ने कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मई के महीने में, और आज क्या है, जुलाई के महीने में, उसी तरीके का दूसरा एक हादसा सामने आया है। अब इसके आपको डिटेल्स बताती हूँ कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। सड़क पर चलती महिलाएं, और अगर उनके साथ छेड़छाड़ होता है, कभी उनके शरीर को कोई छूता है आपत्तिजनक तरीके से या उनको छेड़ता है, और तो महिलाओं को पता होता है कि उनके साथ छेड़छाड़ किसने की है। लेकिन अगर ऑनलाइन स्पेस में, यानी कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप या मैं अगर रात में सो रहे हैं और सुबह अचानक से उठें और आप देखें कि आपकी पिक्चर्स किसी वेबसाइट पे लगी हुई हैं, आपके नाम की बोली लग रही है, और आपको ऑब्जेक्टिफाई किया गया है एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह, तो एक महिला होने के नाते आपको क्या आएगा? गुस्सा आएगा, हैरानी होगी, और आप सोचेंगे कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ है तकरीबन 80 मुसलमान महिलाओं के खिलाफ। जी हाँ, मुसलमान समुदाय की महिलाएं हैं, और ये वो महिलाएं हैं जो कि बहुत एक्टिव थी, बहुत सक्रिय थी सोशल मीडिया पर। और इनका अगर आप एकेडमिक बैकग्राउंड देखें तो कोई जर्नलिस्ट है, कोई रिसर्चर है, कोई आर्टिस्ट है। ये ऐसी बैकग्राउंड्स की मुसलमान महिलाएं थी जो ज़मीन पर बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, और अचानक, यानी कि इतवार के दिन, रविवार के दिन उन्हें पता चला कि अचानक से उनकी पिक्चर्स को एक ऐप पर डाल दिया गया है, और इस ऐप का नाम है सली डील्स। ये एक ऑक्शनिंग ऐप है, इस पर महिलाओं की बोली लगती है, और बेसिकली इस ऐप को होस्ट करने वाली जो वेबसाइट है उसका नाम है गिट हब। ये एक माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड कंपनी है, और इसे एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट माना जाता है। ओपन सोर्स जब हम कहते हैं तो उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है अगर इसको हम एक बार ऐप पर अपलोड कर देते हैं। तो सली डील्स में क्या हुआ, सली डील्स में, सली एक शब्द है जो कि बहुत आपत्तिजनक एक शब्द है जो मुसलमान महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे हिंदी में मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है, लेकिन अगर आप इसे हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे तो लोग मुस्लिम महिलाओं को सुल्ली बोलते हैं। इसके क्या अर्थ है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा सिर्फ इस शब्द को बोलने में और क्या हुआ है उसको बताने में आ रहा है। तो इस तरीके के आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स महिलाओं के लिए बोलना, महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करना, और इन सारी चीजों में महिलाओं की रजामंदगी नहीं है, उनसे कंसेंट नहीं ली गई, और अचानक से एक ऐप पर इन महिलाओं की बोली लग रही है। और ये कौन महिलाएं हैं, जो खास मुस्लिम समुदाय से, वो महिलाएं जो कि बहुत एक्टिव हैं, सरकार की आलोचना करती हैं, जमीन पर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। कुछ महिलाओं ने हिम्मत करके बोला है, और उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या कहा है। उनमें से एक जर्नलिस्ट है फातिमा खान, जो कि प्रिंट की जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्रिय तरीके से दिल्ली में, जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे 2020 में, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। और फातिमा का क्या रिएक्शन था एग्जैक्टली, मैं आपको कोट करके बताती हूँ। एंड शी हैज सेड, हाउ इज दिस एक्सेप्टेबल, व्हाट विल बी द पनिशमेंट, मुस्लिम मेन आर लिंच्ड, मुस्लिम वेमेन आर हैरेस्ट एंड सोल्ड ऑनलाइन, सो वेन विल दिस एंड। ये एक सवाल फातिमा ने किया है कि मुसलमान जो आदमी हैं, जो जेंट्स हैं, उनकी लिंचिंग होती है, मुसलमान महिलाओं को ऑनलाइन हैरेस किया जाता है और उनकी बोली लगाई जाती है,
आखिर ये जो प्रताड़ना है ये कब खत्म होगी, ऐसा फातिमा का कहना है। और एक और जर्नलिस्ट है नेहा दीक्षित, तो उनको भी स्टॉप किया गया था और उनके घर पर तो एक ब्रेक इन अटेम्प्ट भी हुआ था जनवरी में। और इसी जो सली डील्स का जो ये ऐप है और जो हाल में रविवार को जो घटना हुई है उसमें एक पायलट है हाना मोहसिन खान, उन्होंने भी अपनी देखी कि अचानक से उनकी तस्वीरों को इस ऐप पर अपलोड किया गया है और आपत्तिजनक शब्द, आपत्तिजनक वाक्य और उनको ऑब्जेक्टिफाई करने वाली जो पूरी लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल किया है और फातिमा को या फिर कह लीजिए कि हाना मोहसिन खान को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब ये जो सली डील्स का ऐप है ये क्या करता है, इसके पास बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स हैं उन मुस्लिम वुमेन के जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। और उसमें ये लिखा हुआ है ऐप में, अगर आप उसके ऐप का स्क्रीनशॉट देखें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि यू आर वन टैप अवे फ्रॉम फाइंडिंग द गर्ल एज योर डील, यानी कि ये एक खेल है उन लड़कों के लिए जो कि एक खेल समझते हैं कि आप किस तरीके से ऑनलाइन बेचना और खरीदना आप महिलाओं का और मुस्लिम महिलाओं का कर सकते हैं। उनकी कॉन्शियंस आप सोचिए कि कैसे इस चीज के लिए गवारा करती है कि वो खरीदते बेचते हैं महिलाओं को ऑनलाइन, मुस्लिम महिलाओं को, और बड़ी शान से खरीदते हैं क्योंकि ये उनके लिए खेल है। और जो ऐप का मोटो है, ऐप का जो मोटो है उसमें ये लिखा हुआ है कम्युनिटी ड्रिवन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। कम्युनिटी ड्रिवन मतलब अगर एक खास समुदाय के द्वारा चलाया गया है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है यानी कि उस प्रोजेक्ट में कोई भी चाहे तो अगर आप घृणा करते हैं मुसलमान समुदाय से तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, ये बिल्कुल मोटो में इसके दिया हुआ है। और बाद में लिखा हुआ है एक लाइन, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं और आप अपना अर्थ खुद लगा सकते हैं, फाइंड योर सली डील ऑफ द डे, फाइंड मी अ सली, यानी कि ये जो लड़के जो इस तरीके के खेल में इंडल्ज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इस ऐप पर आएंगे तो आपको अपने मनपसंद की लड़की खरीदने और बेचने को मिलेगी। ये खेल है जहां पर मुसलमान महिलाओं को खरीदा और बेचा जा रहा है। कौन है ये लड़के, इनकी कॉन्शियंस कहां है, उन्हें क्यों कोई नहीं रोक पा रहा है कि ये इतना बड़ा एक नफरत भरा जो पूरा कैंपेन है वो चला रहे हैं और ये खेल के नाम पर कि ये खेल है। और माइक्रोसॉफ्ट जिस जो ये गिटहब जो वेबसाइट है जिसको ओन करता है, मुझे ताजुब हो रहा है कि आज माइक्रोसॉफ्ट भी इसको लेकर चुप है। इतना आक्रोश के बाद जो सारा कंटेंट था जो उस वेबसाइट का उसको टेक डाउन कर दिया है, उसको हटा दिया गया है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने उन महिलाओं के को अभी अप्रोच नहीं किया है कि उनकी आइडेंटिटीज इस तरह से कैसे भेजा, उनका इस्तेमाल किया गया, और आखिर कोई फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन या फॉर्मल कोई जांच की शुरुआत करेगा माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे अभी ओपन सवाल हैं, इस पर कोई जवाब किसी के पास नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया इसमें एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, और अचानक से उनको अपने फोटोग्राफ्स, उनकी तस्वीरें उस साइट पर डिस्प्लेड मिलती हैं और कोई उनको खरीद रहा है, बेच रहा है, और इस पर इनकी कोई रजामंदगी नहीं है। ये बहुत माने ये हमें मजबूर करता है मेरे ख्याल से देश के जितने भी इस तरह के डिसेंट नागरिक हैं उन्हें अपना आंख नहीं चुराना चाहिए इस फिनोमिनन से। उन्हें देखना चाहिए कि ये जो पूरा नफरत का माहौल पिछले 7-8 साल में बढ़ा है उसका नतीजा ये है कि इतने सारे अपने आप को हिंदू राष्ट्रवादी मानने वाले लड़के ये जो है इस तरह इस भाषा में मुस्लिम महिलाओं के को बेचने खरीदने की भाषा में और बलात्कार न सिर्फ करने बल्कि ये माहौल बनाने मतलब ये कहने की कोशिश करने की कि मुस्लिम महिलाएं तो इंजॉय करती हैं बलात्कार को, ये गंदी गंदी इस किस्म की भाषा शैली में ये मुस्लिम महिला पत्रकारों को और जनरल मुस्लिम महिला लड़कियों को इस तरह से करती हैं। और ये एक दो घटनाएं नहीं है, इसका पूरा एक तरह का लहर है। ये तो मतलब इस महामारी का क्या वैक्सीन होगा, तो मेरा मानना है कि इसका जो इलाज, इसका जो वैक्सीन इस मतलब भयानक नफरत के और महिला विरोधी हिंसा का जो महामारी है इसका जवाब मतलब सांप्रदायिक ये इसका जवाब जो है एक लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में और इन लोगों को सजा मिले। इनके ये लोग भी तो किसी परिवार का हिस्सा होंगे,
उनके आसपास के लोग क्या जानते नहीं है कि ये लड़के ऐसा कर रहे हैं। इस बार हम महिला संगठनों की तरफ से हम लोग एक चिट्ठी तैयार किए हैं, वो आज रिलीज होना चाहिए, जिसको हम लोग सबको, पुलिस को, एनसीडब्ल्यू को, आईटी, दिल्ली पुलिस के आईटी सेल को, बाकी आईटी क्या कहते हैं उसको, साइबर सेल को, बाकी जो ये ट्विटर को, फेसबुक को, सबको भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि आप सबको जवाब आप बताइए, आप अपने जवाब बताइए। आप या तो कहिए कि भाई ये सब चलेगा, हम लोग इसको जुर्म नहीं मान रहे, हम इससे आंख चुरा रहे, लेकिन हम इस पे माहौल बनाए। और मेरा दूसरा भी कहना है ना कि सिर्फ पुलिस की बात नहीं है, मैं पूछना चाहती हूँ कि जिस समाज में ये लड़के रहते हैं, जहाँ वो खुद को प्रधानमंत्री के भक्त बताते हैं और खुद को जो है हिंदू राष्ट्रवादी बताते हैं और क्या क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ बताते हैं, तो ये जो संगठन है, ये जो आरएसएस है, या ये मैं मोहन भागवत से कहूंगी कि मोहन भागवत अभी अभी बोले कि ना ना हिंदू मतलब किसी मुस्लिम को ये न करें, अलग न करें, अलगाव में ना डालें, तो मेरा कहना है कि भागवत जी डायरेक्ट इन लड़कों से बात करिए ना, सीधा पब्लिक में इन लड़कों को कहिए कि भाई आप लोगों को अपना आप सरेंडर करना चाहिए और जेल की हवा खानी चाहिए, जिस भाषा में आप लोग बोल रहे हैं ये बहुत ही घिनौना है, बोल के दिखाएं। तो इन लड़कों से सीधा बोले, जनरल बातें ना करें, सीधा सीधा बोले, इन लोगों का नाम ले ले करके बोले कि ये जितने हैंडल हैं, ये जितने पेज हैं, इसको आज जो है आप लोग खत्म नहीं किए तो हम लोग माने आरएसएस लड़ेगी इनको सजा दिलाने के लिए। कर सकते हैं भागवत जी, अगर नहीं करेंगे तो मैं मान के चलूंगी कि ये जो है ये मोहन भागवत के ही और आरएसएस के ही पैदा किए हुए जो नफरत का एक क्लाइमेट है, उसी की पैदाइश है, तो मान के चलेंगे, मैं मानती भी हूँ यही। लेकिन क्योंकि मोहन भागवत जी ने हाल में ये चीज कहने की कोशिश की, खुद को सेक्युलर दिखाने की कोशिश की, तो मैं उनको चुनौती दे रही हूँ कि आप बात करिए, सामाजिक दबाव बनाइए, और नहीं तो मैं तो साधारण मतलब हर किसी को कहूंगी कि भाई अपने परिवार में देखिए, ऐसे लड़के अगर आपके परिवार में हैं, आप जानते हैं ऐसा कर रहे हैं, तो सीधा उनको आप लोग मतलब वहीं पे घेर करके सामाजिक दबाव बनाइए कि आपको हम नहीं भरोसा करते हैं, आपका मन ऐसा है, आपका दिमाग ऐसा है, तो आपके पास हम अपनी लड़की नहीं देंगे, आपके पास जो है हम अपनी महिलाओं को सुरक्षित नहीं मानेंगे। महिलाएं जो है वो खुद घेर करके इन लड़कों को जो है वो ये करें वहां पर, ये मेरी चुनौती है। मुझे लगता है ये हिंदू समाज को इसे समझना होगा कि ये भाई ये कोई इक्का दुक्का लोग नहीं, ये फ्रिंज नहीं है, हिंदू समाज के अंदर ये कैंसर पैदा हो गया है, ये आतंकी माइंडसेट है, और अगर हम इसे नहीं आंख से आंख मिलाएंगे, अगर आंख चुराएंगे, तो इसको कभी हम ठीक नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, उसी ये जो सारी महिलाएं हैं, जो 80 महिलाएं हैं, उनमें से एक नूर नाम की एक महिला है, वो एक पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल है, कोविड के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो अखबारों को और वेबसाइट से उन्होंने बातचीत की है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम जैसी महिलाओं को इसलिए टारगेट किया जा रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, क्योंकि हम सक्रिय हैं, हम आउटस्पोकन हैं, हम आवाज उठाते हैं लोगों के लिए, और ये एक नफरत भरा कैंपेन है, इस्लामोफोबिया है, यानी कि इस्लाम के प्रति जो एक नफरत भरा कैंपेन चलाया जा रहा है, वो इस समय समाज का एक बहुत ही घिनौना चेहरा है, इस बात को नूर ने कहा है। अब इससे बड़ा ऑनलाइन अब्यूज क्या होगा, और जैसे मैंने आपको बताया कि इसी तरीके का अब्यूज उस समय जब ईद उल फित्र के पहले हमने देखा था, और अब जब ईद उल अधा यानी कि जो 21 जुलाई को जो दूसरी ईद आ रही है, उसके पहले देखिए एक तरीके का फिर से इस तरीके के ऑनलाइन अब्यूज का मामला सामने आया है। यानी कि ये जो ऐप है, या इस सोच के, इस गंदी सोच के, इस घिनौनी सोच के जो लड़के या मेल्स जो इस खेल में या इस ऐप में इंडल्ज करते हैं, उनकी ये सोच है कि ईद के पहले शायद मुसलमान महिलाएं अपनी फीलिंग्स को, अपनी पिक्चर्स को ज्यादा डिस्प्ले करेंगी, और यही एक ऐसा वक्त है, एक अपॉर्चून मोमेंट है, जिसमें कि उनको टारगेट किया जा सकता है, उन्हें डराया जा सकता है, उन्हें धमकाया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं से मैंने फोन पे भी बात करने की कोशिश की थी, तो उनका ये कहना है कि उनके अपने समुदाय में ये जो सक्रिय महिलाएं हैं, आउटस्पोकन महिलाएं हैं,
उनके अपने ही रिश्तेदार उनको बोलते हैं कि भाई आपको क्या जरूरत थी अपनी डीपी लगाने की, आपको क्या जरूरत थी अपनी फेसबुक पे पिक्चर्स डालने की, आपको क्या जरूरत थी आपको अपने ट्विटर पर पिक्चर्स डालने की। तो आज भी उन महिलाओं को ही गिल्टी फील कराया जा रहा है, लेकिन ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि ये जो मेल्स हैं आज इतनी हिम्मत उनमें कहां से आई कि वो महिलाओं को खरीदने और बेचने का काम इतनी धड़ल्ले से कर रहे हैं। ना पुलिस इसका संज्ञान ले रही है, ना सरकार इसका संज्ञान ले रही है। ये किस तरीके के समाज में हम जी रहे हैं, ये इस समय एक बड़ा सवाल है। इस्लाम के प्रति इतनी नफरत। अभी हाल में ही आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने क्या कहा था कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते वो हिंदू नहीं है, तो ये किस तरीके का कि हिंदू का जो ये एक हिंदू राष्ट्र का जो हम एक समाज बना रहे हैं ये एक कैसा समाज हमें दर्शाता है। अब आपको यहां पर बता दें कि कुछ एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि ये जो वेबसाइट है ये कोई बहुत मामूली वेबसाइट नहीं है और बहुत आसानी से आप इसे नहीं बना सकते हैं जो गिटहब वेबसाइट है। और क्योंकि इसमें एनिमेशंस हैं, लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है कि आप किस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यानी कि इसे पढ़े लिखे लोगों ने बनाया है और इस गेम को बनाया है कि किस तरीके से पढ़े लिखे लोगों ने इस तरीके के एक एक्सपेरिमेंट में अपने आप को इंडल्ज करने के लिए सोचा है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए इसमें इंडल्ज किया गया है। और बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो इसका शिकार हुई हैं उनका ये कहना है कि जो बाद में इस पूरे गेम को शेयर किया गया है ट्विटर पर, ये उन लोगों ने शेयर किया है जो कि दक्षिणपंथी जो इकोसिस्टम है पूरा, जो एक वातावरण है पूरा, जो दक्षिणपंथी फ्रेमवर्क है उसकी सोच के लोगों ने इसको शेयर किया है। और आपको बता दें कि अजीत भारती जो कि एक एक्स एडिटर रह चुके हैं ओप इंडिया के, को फाउंडर हैं डू पॉलिटिक्स के, तो उनको भी काफी आड़े हाथों लिया गया था क्योंकि उन्होंने भी इसको प्रमोट किया था और उन्होंने कहा कि अगर इतने सारे लोग एक साथ आकर बातचीत कर रहे हैं तो उसमें बुरा क्या है, उनको ये बात बुरी ही नहीं लग रही है अजीत भारती को। तो अजीत भारती ओप इंडिया के एक्स एडिटर रह चुके हैं, ओप इंडिया अपनी राइट विंग सोच के लिए माना जाता है, हिंदुत्व एजेंडे के लिए माना जाता है, तो अगर अजीत भारती जैसे लोग, अजीत भारती आज एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूं, लेकिन आज वो सारे मेल्स जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र का पैरोकार समझते हैं, क्या वो आज इस तरीके की घिनौनी प्रक्रियाओं में अपने आप को इंडल्ज करेंगे? आज उनसे क्यों नहीं सवाल पूछे जा रहे हैं, उन्हें जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा है? क्या यही है हिंदू इकोसिस्टम हम जिसे बना रहे हैं? क्या यही है एक हिंदू राष्ट्र जहां पर आप मुसलमान महिलाओं को आप टारगेट करेंगे, उनको ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, उन्हें सेक्सुअल डॉल्स की तरह आप ट्रीट करेंगे और आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा? तमाम कानून मौजूद हैं। हमारे प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो समानता की बात करते हैं, लेकिन आज इतना बड़ा नफरत भरा कैंपेन, प्रधानमंत्री भी बहुत ज्यादा एक्टिव है ट्विटर पे, क्या उन्होंने नहीं देखा होगा? क्या हमारे सारे जो नए मंत्री अभी बने हैं क्या वो एक्टिव नहीं है ट्विटर पर? क्या उन्होंने नहीं देखा होगा? अमित मालविया जो आईटी सेल के हेड हैं और पूरा टाइम 24 घंटा 24/7 जो उनकी नजर होती है कि क्या चल रहा है ट्विटर पर, क्या डिलीट करें क्या ऐड करें, क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि इतना बड़ा एक नफरत भरा कैंपेन मुसलमान महिलाओं के खिलाफ चल रहा है और वो सारे लोग चुप हैं, किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है? नेशनल कमीशन फॉर वेमेन ने कहा है कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया है और वो 10 दिन के अंदर इस पर पूरी एक रिपोर्ट मांगेंगी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ क्या होगी कि ताकि समाज में एक संदेश पहुंचे कि आप महिलाओं को इस तरीके से खिलौना नहीं समझ सकते, एक खेल के जरिए आप मुसलमान महिलाओं को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी सरकार बिल्कुल चुप है। राइट विंग इकोसिस्टम इसके बारे में कुछ बोलता ही नहीं और बोलता भी कब है, वो इसको उल्टा इन चीजों को बढ़ावा दे रहा है। तो आज बहुत सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि हमारी जो सरकार है ऐसा लग रहा है कि उसकी कॉन्शियंस इस समय बिल्कुल मर चुकी है। और कहते थे कि जब पुराने जमाने में लोग अगर इस तरीके के कुकर्म करते थे तो उनको सड़क पर उल्टा लटकाया जाता था, तो आज क्या इस तरीके का काम होगा उन मेल्स के साथ जिन्होंने इस तरीके की घिनौनी हरकत की है? और ऑनलाइन स्पेसेस में महिलाएं चलती सड़क पर जो महिलाएं हैं वो तो आज बिल्कुल सुरक्षा उनकी है ही नहीं, लेकिन ऑनलाइन स्पेस में किस तरीके का दुरुपयोग
हो रहा है इस ऑनलाइन स्पेस का और खासकर महिलाओं का हैरेसमेंट किस तरीके से बढ़ रहा है, ये एक बहुत चिंता का विषय है और एक घिनौना समाज दिखता है कि जहां पर आप महिलाओं के खिलाफ एक इतना बड़ा नफरत भरा कैंपेन चलाते हैं और सरकार इस पर बिल्कुल चुप है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neeluonthemoov। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।